इस वक्त की बड़ी खबर है, सीओ और बारहवीं के बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऐलान करेंगे। परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है, 14 से 22 फरवरी तक परीक्षा होगी और 10 से 20 जनवरी तक। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्रा है तो आपके लिए आज शाम की बैठक से बहुत ही बड़े अपडेट निकल के सामने आए। सरकार के द्वारा बोर्ड परीक्षा 24-25 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है, जिसको सुनकर सभी छात्र छात्राएं खुशी से बौखला जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बोर्ड परीक्षा होने में अब कुछ ही दिन का समय शेष रह गया और बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का और साथ में प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान किया जा चुका है। जनवरी तक 20 जनवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन हो जाएगा, इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा, इसके बाद फिर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसको लेकर बहुत ही बड़े नियम बनाए गए। आप सभी को बता दें कि सभी छात्रों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री व मोदी सरकार का साफ साफ कहना है कि इस बार छात्र छात्राओं के कम परसेंटेज नहीं आना चाहिए, यहाँ तक किसी भी छात्र को फेल तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी रणनीति बना ली है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी है जो की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को ध्यान रखना होगा। जो कंडीशन है वो इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अपने राज्य व बोर्ड का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके आपके बोर्ड व राज्य से रिलेटेड जब भी कोई खबर हमें मिलती है तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2025 में कुछ खास ही बदलाव किए गए हैं, अगर आप भी इन बदलावों से वंचित रहेंगे तो आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। आप सभी को बता दें, 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों के लिए सभी छात्र छात्राओं को 90 से 95% मार्क्स देकर पास किया जाना चाहिए और ये भी कहा है कि कोई भी छात्र इस बार फेल तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर सरकार ने बड़ी रणनीति बनाकर तैयार कर ली, सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर गलत या सही छात्र किसी प्रकार से भी लिख देते हैं तो उस प्रश्न के भी छात्र छात्राओं को पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी उनका काटा नहीं जाएगा। इस बार 2025 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली छात्र हैं। आप सभी छात्रों को बता दें कि आपको 2025 का जो सेशन मिला है इसमें कुछ कंडीशन है जो सभी छात्र छात्राओं को ध्यान रखना होगा। बोर्ड परीक्षा के पेपर में आप काले नीले पेन का ही आपको यूज करना है, किसी भी रंग बिरंगे पेन का अगर आप यूज करते हैं तो आपके नंबर कटेंगे, साथ में आपको कॉपी में पैसे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। अगर आप कॉपी में ऐसी चीजें लिखते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर काटे जाएंगे और अगर आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरा है और आप प्रश्नों का बेहतरीन आंसर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक देकर भी पास किया जाएगा। कमजोर से कमजोर छात्रों को भी इस बार बोर्ड परीक्षा में बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब